गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपली शिंदे मॅडम आपलं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षेची 50 गुणांची प्रश्नपत्रिका आपल्याला या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवायची आहे. ही प्रश्नपत्रिका नुकत्याच झालेल्या परीक्षेची आहे, सन 2022-23 या वर्षाची, चालू वर्षाची. यासाठी विचारलेला पहिला प्रश्न बघा. 8 गुणांसाठी निम्नलिखित परिच्छेद पडकर सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए. 1. राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर, आंसर है, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए. 2. 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा. दूसरी कृति, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा. दूसरा, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई. या ठिकाणी एक पैरेग्राफ दिलेला आहे आणि या पॅरेग्राफवर आधारित आपल्याला ह्या वरच्या कृती कंप्लीट करायच्या आहेत. त्यानंतर पुढचं बघा, त्याच पॅरेग्राफवर आधारित ह्या पुढचा प्रश्न पण आहे. उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिरसे लिखिए. बघा हा उचित घटनाक्रम. 1. राजाने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया. 2. सभी को राजाने गेहूं के दाने दिए. 3. दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई. और 4. बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया. या पद्धति ने अपन हा प्रश्न पूर्ण कराएचा है. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा. 3. सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. पर्यायवाची शब्द लिहायचे आपल्याला. राजा, नृप, लड़की, बच्ची. लिंग बदल कर लिहायचे. थैला, थैलिया. खिड़की, खिड़किया. त्यानंतर पुढची कृती, बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी है, इस विषय पर अपने विचार. या पद्धतीने लिहायचे. बघा मी या ठिकाणी लिहून दाखवले आपल्याला व्यवस्थित. आपण याचं स्क्रीनशॉट घ्या आणि पूर्ण करा. पुढचं आ भाग. एक परिच्छेद दिलेला आहे आपल्याला या ठिकाणी आणि या परिच्छेदवर आधारित विचारलेल्या कृतींची उत्तरं आपण लिहायची आहेत. बघा पहिली कृती, राजा साहबने लेखिका के सपने में आकर उन्हें उठाया, उनसे बातें की, उन्हें शो के लिए शुभकामना दी और उनसे कहा, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ. या पद्धतीने ही कृती पूर्ण करायची. त्याच्यानंतर पुढची कृती बघा, रजा साहब इनको भी पूछते थे गणेश जी को, वे हर रविवार को सुबह वहाँ भी जाते थे चर्च. पुढची कृती, राजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं, गणेश की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, कुरान, गीता, गांधी जी की आत्मकथा. अगली कृति शब्द संपदा के लिए, रात दिन, धर्म अधर्म, मुश्किल आसान, सुबह शाम. त्यानंतर ही भाग बघा, एक परिच्छेद दिलेला आहे आपल्याला आणि त्यावर आधारित आपल्याला पुढची कृती पूर्ण करायची. बघा ती कृती, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए. जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, एक रबर कैन, राइटिंग पैड, छतरी, बिजली का बिल. त्यानंतर परिणाम लिखिए, बेंटिंग सूट रखना भूल गए तो समुद्र में नहाना धरा रह जाएगा, धूप से बचने की क्रीम नहीं रखी गई तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे.
किसने किससे कहा, वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, श्रीमती जी ने लेखक से कहा। दो, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, लेखक ने श्रीमती जी से कहा। वचन पहचान कर, चिट्ठिया बहुवचन, चश्मा एक वचन, वक्त एक वचन, छाले बहुवचन। सर्वनाम लिखे, तुम, उन्हें, मैं, वह। परिच्छेद भेद ढूंढकर आपको सर्वनाम लिखने हैं। त्यानंतर प्रश्न दूसरा, ओ पद्यांश दी गई है, कविता दी गई है और उसके आधार पर आपको कृति पूरी करनी है। पहली कृति है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है मन और देह। दो, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊ। इस तरह से कविता की पंक्तियां दो अंकों के लिए पूरी करनी है। अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए, मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करो, आकृति पूर्ण करा। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और दूसरी बात है, मैं कितनी बार दूध पीता हूं पर यह अभी भी छोटी है। दूसरी कृति, अर्थ लिखना है, बलराम यानी कि हल्दर, कविता के आधार पर मक्खन माखन। त्यानंतर पुढचं भिन्न अर्थ लिहायचे, कृष्ण हरीचा अर्थ कृष्ण आणि बंदर, हल्दरचा अर्थ बैल आणि बलराम, दोन अर्थ लिहायचे त्याचे। बालकृष्ण और माता के संवाद के विषय, इस तरह से लिखना है वो संवाद। अगला प्रश्न, निबंध लिखना है, बगीचा में एक घंटा और नदी की आत्मकथा, दोनों में से एक विषय पर 5 अंकों के लिए निबंध पूरा करना है। ये देखिए, मैंने निबंध लिखकर आपको दिया है, इसी तरह से आप एक बड़ा सा निबंध लिख सकते हो। पुढचा प्रश्न, सुवचन पर आधारित कहानी, जहाँ चाह होती है वहाँ रात निकल आती है, बघा ही कहानी या पद्धतीने आपण पूर्ण करायची। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण उत्तरासहित या ठिकाणी सोडवलेली आहे। चालू वर्षाची ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगात येणारी आहे। यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चॅनलची प्रथम सत्र ही प्लेलिस्ट अवश्य बघा। काही अडचण असल्यास कमेंट करून विचारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तिची लिंकही दिलेली आहे। थँक्यू।